मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बात अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे, अल्लाह पाक हर मुश्किलों से अल्लाह पाक आपको दूर रखे, अल्लाह पाक का घर हमेशा आबाद रखे, आपका घराना हमेशा हंसता खेलता रहे और हमेशा आपका घर तारों की रोशनी में रोशन रहे। और दोस्तों आपके घर में हमेशा गुलाब की फूल की तरह बहार महकती रहे। अल्लाह आपके घराने को दुश्मनों की नज़रों से, आपकी औलाद को दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे और अल्लाह पाक आपके तमाम घर की मुश्किलें आसान फरमाएं। और जो आउट कंट्री में हमारे भाई बैठे हैं, किसी भी मसले में परेशान हैं, तो आप मिलकर सब दुआ करो, परदेश एक कैद है, कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान फरमाएं। आमीन। और दोस्तों हर इलाज HM चैनल आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी चैनल पर रूहानी और यूनानी दोनों ही तरीके से हेल्प की जा रही है। जो नए मेम्बरान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी पुरानी वीडियो से हासिल करना चाहते हैं, फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ख़जाना देखना चाहते हैं, तो नीचे मेरी पिक है इत्तफाक हुसैन लिखा है, 700 वीडियो हमारी आपके सामने है। घर बैठे आप हर मसले का हल करेंगे, हर बीमारी का इलाज करेंगे। आज ये दोस्तों हम उसका सादा सा सैंपल सा दे रहे हैं उन दोस्तों के लिए जिनके टाइफाइड जो है बिगड़ चुके हैं, पुराने बुखार हैं दोस्तों, हड्डियों के बुखार हैं, जिनके बुखार जान नहीं छोड़ रहे हैं, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, परेशान हैं, पुराने बुखार हैं जिनके, हड्डियों के बुखार हैं, और टाइफाइड के लिए स्पेशली ये नुस्खा है। तो आप नोट फरमा लें, सादा सा सैंपल सा नुस्खा, और हमें दुआ में आजमुदा दोस्तों नुस्खा आपकी नज़र हम कर रहे हैं। ये हमारे पुराने राज हैं सीने के बुज़ुर्गों के, जो हम दे देते हैं। अंजीर आप ले लें, अंजीर और मुनक्का ले लें आप। मुनक्का हर लेडीज़ को पता होता है मुनक्का क्या है, घर में भी यूज़ होता है। ये बड़े अंगूर खुश्क हो जाते हैं तो फिर वो मुनक्के की सूरत में पंसार से मिल जाते हैं। और दोस्तों खूब कलां ये भी पंसारी से मिल जाएगा। और दोस्तों आपने करना क्या है, मुनक्का जो है इसके बीज निकाल देंगे आप, बाकी अंजीर है और खूब कला है, खूब कला का पाउडर कर लें और अंजीर मुनक्का ये कूट लें, खूब कला के साथ मिला दें। ये बराबर वज़न लेनी है, ये जज़ा जो बताए हैं बराबर वज़न लेने, इन्हें चने के बराबर गोली बना लेंगे आप। फिर करना क्या है दोस्तों, यक जान करके चने के बराबर गोली जो आप बनाएंगे, उसके बाद जो है आपने दो टाइम इसे यूज़ करना है। आप इसे सुबह नाश्ते के बाद ले लेंगे, आपने कावा के साथ लेना इसे, कावा के साथ दालचीनी लौंग थोड़ी अदरक डाल दें, उसका कावा जो लेडीज़ बनाती हैं घर में उसके साथ लेंगे। और उसके बाद कोशिश करें पंखा बंद करके आप जो है कोई मोटी चीज़ जो है ओढ़ें, और उसमें जो है आप जो है एक दो घंटे पसीना आने दें, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके। बच्चों को देनी हो 10 साल के हैं तो उनको खुराक जो है इसकी आधी खुराक कर दें। ऐसी लाजवाब चीज़ है कि आपके जो टेस्ट वगैरह जो हैं जो करा चुके हैं, अब तंग आ चुके हैं, तो फिर ये कर लें, दो हफ्ते फिर अपना वो टेस्ट करवाना। आप कोशिश करें कि इसके ऊपर वज़नी जो है खुराकें ना खाएं, जैसे लस्सी होती है, दही होता है, ठीक है, पराठे वगैरह होते हैं, ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें, दलिया साबूदाना आप इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, यखनी बना लें किसी पाए की या और किसी चीज़ की, वो इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये आप करें इंशाल्लाह, फिर देखें आप मुझे कमेंट्स देंगे यहाँ पे अल्लाह की मेहरबानी से। दोस्तों अगली वीडियो तक अपने भाई इत्तफाक को आप इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।